कबीर वाला थाना सदर पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना सदर कबीर वाला की हदूद खाजीपुर में पुलिस मुकाबला, एक डाकू साथियों के फायरिंग से जख्मी। पुलिस ने दौरान सर्च जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया। डाकू गुज़श्ता शब हाजीपुर मोड़ पर नाका लगाकर शहरी रमजान, मजहर और अकरम से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए थे। खानेवाल पुलिस ने इतला मिलते ही फौरी मुलजिमान का ताकुब किया, जिस पर मुलजिमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के घेराव पर डाकू की पुलिस पार्टी पर फायरिंग और पुलिस की भारी नफरी मौकों पर तलब। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दो नामालूम मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब। दरियाफ्त पर गिरफ्तार डाकू का नाम गुलाम शबीर उर्फ काली वल्द रजब अली सकन्ना निजामपुर मालूम हुआ। गिरफ्तार मुलजिम रॉबरी और चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस है। जख्मी डाकू तिब्बी इलाज मुआलजे के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए रेड जारी। पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ की एसएचओ राय नजाकत और पुलिस टीम को शाबाश। लाहौर शहर में मनशात की सप्लाई नाकाम, शेराकोट पुलिस की कार्रवाई। एसडीपीओ नवाकोट एसएचओ शेराकोट की निगरानी में मनशात की बड़ी खेप पकड़ी गई। कार सवार मुलजिमान मनशात की भारी खेप लाहौर शहर में सप्लाई के लिए ला रहे थे। खुफिया इतला पर कार सवार मुलजिमान को चेक करने पर मनशात बरामद की गई। मुलजिमान फजल अकरम, दो खातून मुलजिमा गुलखरम और नसीम गिरफ्तार। दो खवातीन समेत चार मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 37 किलोग्राम से जायद चर्स और 5 किलोग्राम से जायद अफ्यून बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। एसपी बालता मोहम्मद उस्मान टीपू की एसएचओ शेराकोट नासिर हमीद और पुलिस टीम को शाबाश। ए कैटेगरी इकदाम कतल पुलिस पार्टी पर फायरिंग के 5 मुकदमात में मतलूब मफरूर मुलजिम मानी खान मनशात समेत गिरफ्तार। सांदा पुलिस की कार्रवाई, मफरूर इश्तिहारी शूटर और मनशियात फरोश सलामत दीन उर्फ मानी खान गिरफ्तार। मफरूर मुलजिम मानी खान पुलिस पार्टी पर फायरिंग, इकदाम कतल, फायरिंग, नाजायज असलहे के 7 मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मफरूर मुलजिम मानी खान सांदा और इस्लामपुरा के इलाके में खौफो खरास और दहशत की अलामत समझा जाता था। मुलजिम सलामत दीन उर्फ मानी खान के कब्जे से 1,507 ग्राम चर्स भी बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। एसपी बाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की एसएचओ आमिर शहजाद और पुलिस टीम को शाबाश। चौक आशिकाबाद मकबूल रोड वहदत कॉलोनी से मनशियात फरोश गिरफ्तार। वहदत कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश आलमगीर गिरफ्तार। मुलजिम आलमगीर तालीमी इदारों, नहर किनारे, हॉस्टल्स, होटल्स के गिर्दोरवाह में मनशियात फरोख्त करता था। मनशियात फरोश आलमगीर के कब्जे से 1,460 ग्राम चर्स, 110 ग्राम आइस बरामद। मुलजिम आलमगीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। एसपी बाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की एसएचओ इफ्जाल रऊफ और पुलिस टीम को शाबाश। एसपी कैंटा वेस्ट शफीक की सरबराही में नाजायज असलहे के खिलाफ पुलिस इन एक्शन, हदियारा पुलिस की कार्रवाइयां। सरेआम असलहे की नुमाइश करके खौफो खरास फैलाने वाले 3 मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में यासिर, अशरफ और नजीर शामिल। मुलजिमान से 3 पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गयी। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। नाजायज असलहा, शो ऑफ वेपन, हवाई फायरिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है एसपी कैंट अवैस शफीक।